हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी क्रिएशन। आज हम बुकरम पर गले की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेंगे जितनी चौड़ी हमें बुकरम की पट्टी कट करनी है गले के लिए। अब ऊपर से हमें गले की चौड़ाई ले लेनी है। इसे मैंने 2.75 इंच लिया है। अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो आप 3 इंच या 3.5 इंच तक ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए 2.75 इंच लिया है। यहाँ से मैंने लंबाई ले ली है गले की। मैंने लंबाई 7.5 इंच ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाएंगे और कॉर्नर से लगभग 1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इसी मार्क को मिलाते हुए हमें छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं गोलाई में। इस तरह से हम राउंड नेक कट कर लेंगे। पहले हम इनको मिला लेते हैं और फिर इसी लाइन पर हमें कट करना होगा। जितनी हमें चौड़ी पट्टी चाहिए उसमें मार्क करते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे छोटे छोटे डॉट्स, और फिर हमें इन डॉट्स को मिला देना है। अगर आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो बुकरम की पट्टी को थोड़ा सा ज़्यादा रखें। मैंने इसकी चौड़ाई 8 इंच ली है और ये मोड़कर 4 इंच आ रहा है। जितना हमने ऊपर 7.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से थोड़ा सा हम सिलाई का ले लेंगे और इसे मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये तो हो गया राउंड नेक। अब हम एक नेक की कटिंग और कर लेते हैं। इसके लिए भी पहले हमें एक लाइन लगा देनी है। ये मैंने 1 इंची पर लाइन लगाई है। यहाँ से गले की चौड़ाई ले लेंगे। चौड़ाई उसी हिसाब से लेंगे जिस हिसाब से हमें गले की चौड़ाई रखनी है। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और यहाँ से गले की लंबाई ले लेंगे। इसकी लंबाई भी मैंने 7.5 इंच ही ली है और यहाँ से हम थोड़ा सा सिलाई का भी ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर तिरछा करके एक लाइन लगानी है। ये हम कम ज़्यादा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये डायमंड नेक बन जाएगा। और जितनी चौड़ी हमें पट्टी चाहिए बुकरम की उतनी चौड़ी लेते हुए यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे और इसी तरह से हम ऊपर की तरफ से भी एक लाइन लगा देंगे। जो लाइंस लगाई हैं इस पर हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक डायमंड नेक तैयार हो गया है। इसी नेक से आप बहुत ही कम बुकरम में एक और नेक काट सकते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे और जो हमने नेक की कटिंग की है इसे फोल्ड साइड से मिलाते हुए इस लाइन के ऊपर रखेंगे और एक और नेक के लिए निशान लगा लेंगे। इससे हमारा जो नेक है दूसरा बहुत ही कम बुकरम में कट जाएगा। जो हमने लाइन लगाई है इस पे हमारा एक जोड़ आएगा और हम बहुत ही आसानी से बहुत कम बुकरम में ये नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा इतने सी बुकरम में हमारा एक नेक और कटिंग हो गया है। अब अगर आपको इसी शेप में और नेक की कटिंग करनी है तो ये इसी के आगे रख सकते हैं और इसी तरह से और नेक कट कर सकते हैं। इस तरह का नेक कट करने के लिए आपको एक लंबी पट्टी बुकरम की कट करनी होगी। सिंपल नेक के साथ साथ आप डिज़ाइनर गले भी इसी तरह से कट कर सकते हैं। सबसे पहले नेक की लंबाई चौड़ाई ले लें और फिर इस गले को रखकर आप इसका निशान लगा लें। इस तरह के नेक आप कार्डबोर्ड पर काट के रख लीजिए। इससे बहुत आसानी हो जाएगी। कम से कम बुकरम में नेक काटने का यह तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।